खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। लोकसभा चुनाव में अभी आखिरी दौर का मतदान होना है, 23 तारीख को नतीजे आने हैं। अभी ये साफ नहीं कि किस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलेगा और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन नतीजे से पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर भविष्यवाणियां रोज की जा रही हैं, अलग अलग तरीके की जा रही हैं। ताजा भविष्यवाणी उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कर दी है। राजभर का दावा है कि अब की बार दलित प्रधानमंत्री बनेगा, मायावती भी प्रधानमंत्री बन सकती है। यही हमारा आज का मुद्दा और सवाल, बड़ा सीधा, कि अब की बार दलित सरकार। चुनावी संग्राम में पीएम पद के लिए उछला मायावती का नाम, यूपी सरकार में बीजेपी के सहयोगी राजभर ने की भविष्यवाणी। बहुमत देश में किसी को मिल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सामान्य वर्ग हो गया, बैकवर्ड भी हो गया, अब शेड्यूल कास्ट का नंबर है, अनुसूचित जात जनजाति का ही बेटा इस बार प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें मायावती जी भी बन सकती हैं और चेहरे भी कोई नए आ सकते हैं। अब इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अखिलेश की भी ख्वाहिश, मायावती बने प्रधानमंत्री। हमारी महत्वाकांक्षाओं में टकराव नहीं है, मैं मायावती को पीएम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझे सीएम बनाने की कोशिश कर रही है। इस बार चुनाव में पीएम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है, ये सब लोग जानते हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि आरएसएस ने भी अब इनका ऐसा लगता है साथ छोड़ दिया है। बीजेपी का कटाक्ष, सबको सपने देखने का हक। हर नेता को दिन में सपने देखने पर पाबंदी नहीं है, जो देश की हवा है, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। 23 के नतीजे ऐतिहासिक होंगे और भाजपा को स्वयं प्रचंड बहुमत मिलेगा और एनडीए के साथ तो एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। इस चुनाव में तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमारे विरोधियों को भी मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, 2/3 से ज्यादा बहुमत एनडीए को आने वाला है। बीजेपी के सहयोगी आठपले ने भी दिखाया मायावती को आईना। मायावती को मतलब नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसा हराया था कि उनका एक भी आदमी चुनकर आया नहीं था, और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें मायावती अपनी सरकार बनानी जा रही थी, मेरी सरकार आएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कारण उनको 19 सीटें मिली। अब की बार दलित सरकार। देखिए, नतीजे से पहले हर पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी अपना अपना हक जताया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि सरकार और प्रधानमंत्री बनने को लेकर जो देश का संविधान है वो क्या कहता है। दरअसल सरकार किस पार्टी या गठबंधन की बनेगी, इसका सीधे तौर पर संविधान में कोई जिक्र नहीं। संविधान की मूल भावना ये है कि वैचारिक समानता के आधार पर कोई भी पार्टी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद गठबंधन कर सकती है, और परंपरा के मुताबिक जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है फिर सरकार उसकी बन जाती है। गठबंधन के दल जो है वो आम सहमति से जिसे भी अपना नेता चुनते हैं वो फिर बन जाता है प्रधानमंत्री। तो ये है संविधान का दायरा, इसी संविधान के दायरे के तहत हम चर्चा करेंगे। अब आपका जल्दी से परिचय कराते हैं खास मेहमानों से आज की इस चर्चा में जो हमारे साथ शिरकत करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ेंगे इस चर्चा में, और फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, हमारे साथ आरएसएस एक्सपर्ट संगीत रागी जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। और देखिए, राजभर जिनकी तरफ से भविष्यवाणी मायावती के प्रधानमंत्री बनने की कर दी गई है, उनकी पार्टी एसबीएसपी से शशि शेखर जी भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। मैं चर्चा शुरू करती हूं और सबसे पहला मेरा सवाल शशि शेखर जी से ही है। सर, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के साथ सत्ता की मलाई खा रही है और अपने साथियों की हारने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब की बार दलित प्रधानमंत्री, मायावती बन सकती है प्रधानमंत्री, क्यों? रोमाना जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दलित प्रधानमंत्री
बनने की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इसलिए कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चार बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधे प्रधानमंत्री बन गए आकर, और मायावती जी भी चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए इस बार उन्हीं का नंबर है और वो वही जाकर प्रधानमंत्री अब बनने की स्थिति में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ताकत वो सीट नहीं मिलने जा रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पावे, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है आज बनारस में ही कि इस बार जो सरकार बनेगी वो दलित की बनेगी, क्योंकि समान वर्ग के भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और अभी तत्काल मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़ी जाति से आया हूँ, और वो भी प्रधानमंत्री बन गए तो अगला नंबर दलित का ही आता है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को कह रहे हैं। ठीक है सर, एक मिनट हो गया शुरू में कार्यक्रम में, एक मिनट का समय मैं सबको देती हूँ। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैं लेकर चलती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सैयद शाहनवाज हुसैन अब इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। एक मिनट का समय शुरुआत में आपको देने जा रही हूँ सर, और जो बात यहाँ पर कही जा रही है आपकी सहयोगी पार्टी राजभर की पार्टी की तरफ से कि अब की बार बीजेपी तो आ नहीं रही है, तो अगड़ा भी बन गया, पिछड़ा भी बन गया, अब की बारी दलित की बारी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये सही है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात रखने का, हर व्यक्ति को अधिकार है सपने देखने का। एक ही चीज है जिस पर कोई टैक्स नहीं है, सपना देखने पर। और गवर्नमेंट का इरादा भी नहीं है कि सपनों पर टैक्स लगाया जाए। तो सपना हर कोई देखता है, हर कोई अपने पार्टी का, अपनी जाति का इस तरह से सपना देखना बोलना ये हो सकता है, लेकिन जो देश का माहौल है उसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीट जीतेगी और हम अपने सहयोगी के साथ करीब 400 सीटें जीतेंगे। एक मिनट के भीतर आपने अपनी बात पूरी कर ली सर, क्योंकि समय अभी बाकी था। जी, बस मैं इतना जोड़ना चाह रही थी कि आपके सहयोगी है, आपके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार ये चला रहे हैं, और तब ये जब इस तरीके की भविष्यवाणी करते हैं, सवाल खड़े करते हैं, तो इस पर बीजेपी को जवाब तो देना चाहिए। सहयोगियों से आपस में ही बात कर लेते कि इतना अविश्वास क्यों जता रहे हैं। देखिए, लोकसभा में वो हमारे साथ नहीं, अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। और मैं कह रहा हूं कि जिस तरह का माहौल है पूरे देश में, नरेंद्र मोदी जी की हवा है, आंधी बह रही है। पहले हमने 272 प्लस मांगा था, जनता ने 283 दिया, इस बार हमने कहा है 300, तो 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगी और 400 के करीब हम लोग से ज्यादा सीटें जीत कर। ठीक है सर, ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं यहाँ पर शाहनवाज हुसैन साहब, आप हंस रहे हैं सर, वो कह रहे हैं हम 300 से ज्यादा मांग रहे हैं, 300 से ज्यादा मिलेगी, 400 से प्लस जीत कर आएंगे, और कह रहे हैं कि ये तो ख्वाब हो गया, मतलब दिन में ख्वाब देखने वाली बात हो गई दलित प्रधानमंत्री इस देश में। रुमाना जी, अच्छी बातें कही शाहनवाज भाई ने भी और रविशंकर जी ने भी। सच्चाई तो ये है कि सपने देखने पर तो कोई टैक्स नहीं लगा, ना ही ये लोग लगा पाएंगे, हालांकि कोशिश इन्होंने जीएसटी में वो भी लाने की कर दी थी। अब आज की डेट में अब सपने कौन देख रहा है तो 23 तारीख को पता चल जाएगा। एक चीज तय है, एक बड़ा पुराना शेर था ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। 2013 में इनकी 14 में कश्ती बड़ी अच्छी सी थी, अब आज की डेट में कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कहीं नायडू साहब चले गए, कहीं ओम प्रकाश राजभर जी इनकी कश्ती में छेद करने पर लगे हुए हैं। तो आज की डेट में जो एक फ्रैक्चर्ड एक एनडीए जो है, जो 43 पार्टियों का गठबंधन था, वो आज की डेट में फ्रैक्चर्ड है। तो ये कहां से करेंगे कहां से नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन एक चीज तो तय है कि जनता आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी के जुमलों के मुखालिफ है, और जनता एक नया प्रधानमंत्री और एक नया जनादेश देने जा रही है। ये बात आपको 23 तारीख को बड़ी स्पष्ट रूप से क्लियर मिलेगी। ठीक है सर, एक मिनट हो गया सर, संगीत रागी जी का रुख करूंगी मैं। संगीत रागी जी, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता देख रहे हैं क्या ये सभी राजनीतिक दल किसी भी पार्टी को, इस वजह से ऐसे कयास की इस बार दलित प्रधानमंत्री की बारी? देखिए, आपने सही कहा कि सारी पार्टियां ये सब कयास लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कयास नहीं लगा रही है। और संविधान की शपथ की आप बात कर रहे हैं, संविधान की शपथ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है
कि एक बार ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरी बार जनरल कैटेगरी का बनेगा, तीसरी बार ये जो भी पार्टी जिसका भी बहुमत होगा, जिसका कोएलिशन बहुमत में आएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। और दूसरी बात, योग्यता सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक ऐसे प्रधानमंत्री को आप बनाना पसंद करेंगे जो जो एक एक पत्र भी अभी बांच रही थी वह भी लिख करके पढ़ती हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के लायक होना न लायक होना यह भी एक मुद्दा होना चाहिए इस देश में, ये विमर्श की विषय होने चाहिए, बड़े गंभीर बातें हैं। ये जातियों के खांचे में बांट करके कि ये मुस्लिम होना चाहिए, कभी हिंदू होना चाहिए, कभी दलित होना चाहिए, दलित क्या एक कैटेगरी है क्या? दलित के अंदर बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं। और प्रधानमंत्री मनोज सिंह जी का रुख करूंगी। देखिए मनोज सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। मनोज सिंह जी, संगीत रागी जी जो बात कर रहे हैं कि भाई जाति क्या कैटेगरी होती है, जाति क्या क्राइटेरिया होता है, प्रधानमंत्री पद के लायक भी तो होना चाहिए ना। मायावती देख देख कर तो पढ़ती है पन्ने में से, वो कैसे सपना देख सकती है प्रधानमंत्री बनने का? मनोज सिंह जी, मैं संगीत रागी से कहना चाहूंगा कि इससे जो जिस विमर्श की आप बात कर रहे थे और जो मानसिकता है आपकी वो झलक रही थी, लिख के पढ़ना क्या या इस देश में गुनाह है क्या? टेलीप्रॉम्प्टर को देख करके जो लोग भाषण देते हैं उनसे सवाल नहीं करते हैं आप ऐसे महिला पे सवाल करते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेट का चार चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो इनको भी मैं कहना चाहूंगा कि लिख के पढ़ना एक विधा है, कोई खराब बात नहीं है। लिख के आपके भी दल में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और आपकी जो मानसिकता है वो हम समझ रहे हैं कि आप दलित पिछड़ा विरोधी हैं, आप दलित पिछड़े को नहीं बनाना चाहते हैं, वो तो हम समझ ही रहे हैं। और एक बात शहनवाज जी के भी बात का जवाब देना चाहूंगा, बड़े व्यक्ति हैं, इनके प्रति हम लोगों को खुद बहुत संवेदनशील हैं। हम लोग इनके प्रति हम लोग क्या कहें कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। आप पूरे उत्तर से लेके दक्षिण तक और पश्चिम से लेके पूरब तक हर जगह मोदी जी की लहर है देश में। एक बात ही अच्छी कह रहे थे, मोदी के खिलाफ लहर, एक मिनट हो गया लहर, एक मिनट हो गया सर, दोबारा आपके पास आऊंगी। आप जो बात कह रहे हैं अब उसी से मैं ये बहस खोल लेती हूँ बहस उसी बात से जो बात आप कह रहे हैं। और सैयद शाहनवाज हुसैन साहब का रुख करूंगी। शाहनवाज हुसैन साहब, जो बात यहाँ पर मनोज सिंह भी कह रहे थे कि भाई हम सब जानते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रास्ता रोक दिया है महागठबंधन ने, फिर किस बूते पर बीजेपी सपना देख रही है? यही तो विरोधियों का कॉन्फिडेंस दिखता है जब वो कहते हैं कि अब की बार देश में दलित प्रधानमंत्री, दलित सरकार। रवाना जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की हवा में कुछ जातीय गणित बैठाकर कुछ जातीय गठबंधन खड़ा कर दिया गया है। अगर आप बिहार में जाएंगे वहां भी लोग इसी तरह कहेंगे, कुशवाहा जी की पार्टी, निषाद जी, सहनीसा सनफ मल्ला की पार्टी और राम जी, वहां ऋषिदेव जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी जोड़ देते हैं और वो गणित बता देते हैं कि हमने रोक दिया है। ऐसा नहीं, जब लहर है तो पूरी जगह है। पिछली बार जब हम लोगों ने अभी भाजपा के आधार पर गठबंधन किया था, जाति को तो सबसे ज्यादा, जाति राजनीति को सबसे ज्यादा अगर किसी ने हिंदुस्तान में वरीयता दी और उसमें आग लगाई तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी, सुन लीजिए बात, उसके बाद आप आ जाएगा। हाँ सर आइए, शाहनवाज जी। हाँ, मैं बीच में बोलता नहीं इसलिए कह रहा था कि मैं बोलूं। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की हवा है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, हमने काम किया है उस मुद्दे पर, हम गए हैं। रोमाना जी आपको याद होगा जब सर, हम लोग 2000 सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की हवा है, आप तो यहाँ चैनल पर बैठकर कह रहे हैं सर, लेकिन मेरा सवाल फिर बार बार घूम फिर कर वही आता है कि योगी जी तो उत्तर प्रदेश तो से घूम कर कह रहा, योगी जी तो पूरे देश में जाकर प्रचार कर रहे हैं। पहले जरा सहयोगियों को पास बुलाकर बता देते कि साहब हवा है, क्यों कह रहे हैं ये? हमारे साथ यहीं पर बैठे हुए ना शशि प्रताप सिंह जी, जो राजभर जी हैं उन्हीं के पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। शशि जी, आपको नहीं, हवा नहीं दिख रही है क्या मोदी जी की, जो बार बार यहाँ पर दिखा रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब? ये लोकसभा के चुनाव अलग लड़ रहे हैं इसलिए अपनी बात करेंगे। नहीं, आप चुनाव अलग लड़ रहे हैं, इस वजह से मोदी जी की हवा निकल गई है। रोमाना जी शाहनवाज जी को कह दीजिए कि मोदी जी की हवा निकल चुकी है। और अभी शाहनवाज जी कह रहे थे कि सभी को सपने देखने की स्वतंत्रता है, तो सबसे ज्यादा सपना देश को किसने दिखलाया? सबसे ज्यादा सपना मोदी जी ने ही देश को दिखलाया।
अच्छे दिन लाने का वादा किया, कहां गए इनके अच्छे दिन? आज भी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, 1,73,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल और सरकारी स्कूल हैं, जिस स्कूल में डेस्क और बेंच नहीं है, आज भी बच्चे जमीन पर बैठ कर पढ़ते हैं। कहां गया मोदी जी का सपना जो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे? उत्तर प्रदेश और के मुद्दे उठाकर ला रहे हैं, ये जो, देश का जो चुनाव पढ़ कर बोलता है, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? शाहनवाज हुसैन साहब यही तो कह रहे हैं कि आप यूपी की पार्टी हो, आप लोकसभा में उनके साथ ही नहीं हो, आप यूपी के मुद्दे उठाकर ला रहे हो, तो विधानसभा चुनाव में उठाइएगा ना मुद्दा। लोकसभा चुनाव में आप उठा रहे हैं, आप मोदी जी के हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्यों? क्यों लोकसभा में उत्तर प्रदेश नहीं आता है? लोकसभा में उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जो है, लोकसभा में प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, जहाँ पर 80 लोकसभा सीट है और वहीं पर यह दुर्व्यवस्था है, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे वो? 74 सुरेंद्र राजपूत जी, 74 सीट जीतने का दावा बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। सर ये दावा तो आपकी जगह, लेकिन कांग्रेस को कहीं नजर नहीं आ रही है ना। आप देखिए जो दूसरी तरफ से भी बात कही जा रही है, वो दलित प्रधानमंत्री को लेकर कही जा रही है, मतलब कांग्रेस विपक्ष की धुरी भी नहीं बन पा रही। देखिए कांग्रेस सार्वदेशिक पार्टी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 424 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में फ्रंट फुट पर बड़ी मजबूती से लड़ रही है। जहां पर हम चुनाव बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं रुमाना जी, उस जगह पर हम चुनाव जीत रहे हैं, और जहां पर शायद हो सकता है अगर हम कुछ कमजोर भी लड़ रहे हों, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। ये हम बहुत आप देखिए, मैंने कहा ना, आपकी निर्मम मीमांसा भी हमें कहीं ना कहीं धनात्मक ऊर्जा देती है। हम आपसे आपकी हर मीमांसा को धनात्मक रूप से लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप वोट कटवा कहें, आप कुछ भी कहें, लेकिन जनता के बीच में हम हैं और मीडिया के बीच में मोदी जी हो सकते हैं, मीडिया के बीच में सपनों के सौदागर हो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में गांधीवादी लोग हैं, जनता के बीच में लोहियावादी लोग हैं, जनता के बीच में अंबेडकरवादी लोग हैं, जनता के बीच में ना तो गोडसेवादी लोग हैं और ना ही गोवलकरवादी लोग हैं। लेकिन बात तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की हो रही है ना, जनता तो अब खत्म, जनता जनार्दन को तो बस आखिरी में और मतदान करना है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि अगर नंबर नहीं आते हैं कांग्रेस के पास, क्या कांग्रेस इस देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनाने के लिए मायावती का समर्थन करेगी? देखिए कांग्रेस पार्टी 23 तारीख तक बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है, हम चुनाव में सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा हमारा अपना मत है, और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पर, कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और दलितों के लिए जितना काम कांग्रेस पार्टी ने, चाहे 15 निकासी प्रोग्राम का हो, चाहे जमीनों के पट्टे देने का हो, चाहे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था का हो, जिस तरीके के काम हम लोगों ने किए हैं, निश्चित तौर पर हम लोग आगे भी करें। ठीक है, अभी पत्ता नहीं खोलेंगे। मनोज जी देखिए, कांग्रेस तो अभी पत्ता ही नहीं खोल रही है और वो तो दावा अपने तहत सरकार बनाने का कर रही है। आप लोगों का दावा फिर कहां नजर आता है जमीन पर? मनोज सिंह, 78 सीटें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा है। इन 78 की 78 में यह भी नहीं कहा जा सकता कि आप लोग तमाम सीटें जीत लेंगे, फिर कैसे ऐसे सपने देख सकते हैं? मनोज सिंह जी। जी मैम, जब भारतीय लोकतंत्र का पूर्व इतिहास देखेंगी तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्षेत्रीय दलों ने इस देश में सरकारें बनाई है, और इस बार भी यही होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का महागठबंधन ही पूरे देश को एक बढ़िया, एक समावेशी विकास आधारित सरकार देने जा रहा है। और हम शहनवाज भाई से चाहते हैं, हम इनके प्रति कह रहे हैं, पहले भी कहे हैं कि हम समाजवादी लोग हैं, आपके विचार से सहमत हो ना सहमत हो, लेकिन आपके विचार व्यक्त करने की आजादी की हम लोग पूरी रक्षा करते हैं। और हम तो चाहते हैं कि शहनवाज भाई जैसा व्यक्ति भी सदन में होता। ये कौन से लोग हैं जो एक वर्ग को रोक दिए हैं? चलिए ठीक है सर, वो चर्चा का विषय नहीं है ना। दिक्कत ये, जब भी शाहनवाज हुसैन साहब मेरे साथ डिबेट में आते हैं, तमाम विपक्षी दल जो है वो सहानुभूति बहुत दिखाने लगते हैं शाहनवाज हुसैन साहब से। ये रोज हो रहा है सर, आए दिन ही होता है। शाहनवाज भाई रहने दीजिए, हमें उस बहस में पढ़ना नहीं है। मैं संगीत रागी जी का रुख करने जा रही हूँ। संगीत रागी जी, तो मतलब दलित प्रधानमंत्री ये सिर्फ एक शगुफा नहीं है, ये हकीकत हो सकता है 2019 के बाद? तो जवाब रुमाना जी, राजभर जी की पार्टी का जो कथन आया है जी, उसे सुनकर मुझे अंबेडकर की संविधान सभा में
जो अंतिम भाषण है वो मुझे याद आता है, ठीक है, और बड़े उन्होंने हृदय से खोल करके कहा था कि इस देश में जब पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां होंगी और जो पार्टियां अब देश हित को हटा करके जब अपने राजनीतिक जातीय हितों को आगे बढ़ाएंगी तब इस देश कहीं किसी से दोबारा गुलाम तो नहीं बन जाएगा। मैं जानता हूं आज के दिन में देश गुलाम नहीं होगा, लेकिन राजभर जैसी पार्टियां, कल मल्लाहों की पार्टी होगी, कल ब्राह्मणों की पार्टी होगी, कल वैश्यों की पार्टी होगी, कल किस पार्टी, जातीय आधार पर हम 4000 पार्टियां खड़ी करेंगे। इस देश के लोकतंत्र को इन लोगों ने जितना गंदा किया है, आज समाजवादी पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी में है कौन, जितनी भी क्षेत्र, जितनी भी, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सारे के सारे प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर ये बताता है कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, तो जाहिर सी बात है बाकी जातियों के मन में भी आता होगा कि हमारी जाति से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। नहीं नहीं, फिर जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। सुन लीजिए, ये जो समाजवादी पार्टी है, सवाल का जवाब तो दीजिए ना, समाजवादी पार्टी पर बात नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है सर, मैं आपसे क्या सवाल, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। नुमाइंदा बताता है देश का प्रधानमंत्री खुद को कि मैं आता हूँ पिछड़ी जाति से, तो फिर एक दलित क्यों ना सोचे कि मैं भी बन जाऊँ प्रधानमंत्री। आपने सही प्रश्न किया है, आपने सही प्रश्न किया है, इस देश का एक दलित राष्ट्रपति भी तो है, कल देश का एक दलित प्रधानमंत्री भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो भी व्यक्ति योग्य होगा, क्या किसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किसी ब्राह्मण को तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उसमें से भारतीय जनसंघ में इनको जिस तो लोग मनुवादी, नहीं नहीं नहीं, जिसे लोग मनुवादी कहते थे, उन्हीं में से एक दलित वर्ग का व्यक्ति जो है, दलित सुरेंद्र राजपूत जी का प्रधानमंत्री, सुरेंद्र राजपूत जी का रुख, सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि साहब देखिए राष्ट्रपति इस देश का कौन है, वो दलित ही है, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी जी तो अगड़ा पिछड़ा दलित सबकी त्रिवेणी है, मोदी जी कहां ले आए आप दलित प्रधानमंत्री की बात। सुरेंद्र जी देखिए, संगीत रागी साहब विद्वान संघ के हैं, लेकिन ये अपनी ही बातों में कंट्राडिक्ट होते हैं। जब हम कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति दलित है, कहते दलितों को गाली दे रहे हैं, और उसके बाद जब हम आते हैं इस पर कि जातिगत स्वाभिमान, देखिए जाति आज की डेट में देश का सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और अगर जातियों के समूहों से इतनी ही नफरत भारतीय जनता पार्टी को और संघ को है, तो पिछले 3 साल से 3.5-4 साल से राजभर को आपने रखा क्यों, आज की डेट में क्यों गाली दे रहे हैं भाई उसे। 43 पार्टियों का गठबंधन है जिसमें लगभग 17 पार्टियां ऐसी हैं जो जातिगत समूहों की हैं, आपके पास पार्टियां जो उत्तरोत्तर काल में कहीं कभी अलग हुई कभी एक हुई, उन सारी पार्टियों को आप अलग हटाइए, आप अपना डॉक्ट्रिन क्लियर तो कीजिए। मैं जवाब ले लेती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, वोट लेने के लिए जोड़ते जाओ जातियों को, जोड़ते जाओ जातियों को, लेकिन जब बात आए प्रतिनिधित्व देने का, अगर कोई इस देश में कहे कि देश का प्रधानमंत्री दलित क्यों नहीं, तो फिर काबिलियत ले आओ, ये कैसी राजनीति सर। शाहनवाज हुसैन जी जवाब दीजिए। देखिए हमने तो सबका साथ सबका विकास किया है, समाज के हर वर्ग को जोड़ा है, जोड़कर गुलदस्ता बनाकर हमने सरकार चलाई है, ठीक है सर। हमें बहुमत अपने दम पर मिला यूपी में भी और दिल्ली में भी, तब भी हमने सबको साथ लिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब समाज में पॉपुलर है, अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी बीजेपी त्रिवेणी बता रही, समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, ठीक है। मैं शशि जी का रुख करती हूँ। शशि जी, जब सबका साथ सबका विकास, समाज बीजेपी का ये नारा है, देखिए इतने साल से आप भी योगी सरकार में है ना सर, आपको भी साथ लेकर चल रहे हैं, भले ही आप किसी भी तरीके के बोल बोलते रहे हो, तो फिर दिक्कत क्या है, फिर दलित प्रधानमंत्री का राग क्यों लाप रहे हैं आप। बीजेपी कह रही है हम जीतेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। शाहनवाज जी से पूछिए, रोमाना जी शाहनवाज जी से पूछिए कि सबका साथ सबका विकास में शाहनवाज जी का टिकट कहाँ गया, कितने मुसलमानों को टिकट इन्होंने दिया, ये गलत बात है। मेरे टिकट में गलत जाते हैं भाई, क्या गलत बात है। मैं आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ है शाहनवाज जी का टिकट, क्यों कट गया सर, वहाँ भी साथी को जगह देने के लिए हुआ है, जो भी कुछ हुआ है सर, जेडीयू को अकोमोडेट किया वहाँ पर, ये बहुत गलत तरीका है। आप लोग जिस तरीके से सवाल और अटैक करने लगते हैं ये शर्मनाक है सर। संगीत जी से कहना चाहते हैं हम, संगीत जी आप बताइए, आप कह रहे हैं कि देश में सभी लोग जातिगत पार्टियां बना लेंगे, अरे
2014 में जातिगत आंकड़ा जोड़ कहीं तो आपने गठबंधन किया, 2017 में जातियों को देख कहीं तो आपने गठबंधन किया, और 2017 में राजभर के वोट पे ही आप 325 सीट पा गए। सर आप सर, कहते हैं कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी से ज्यादा जाति की राजनीति कोई दल नहीं करता। जब तक हमारे लोग अम्बेडकर को मानने वाले हैं ऐसा मैं समझता हूँ, तो और ऐसा ही मैं जानता हूं कि शायद अंबेडकर को आप लोग, अंबेडकर जी को आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन यदि आप उनके विचारों को थोड़ा सा भी अनुसरण कर लेते तो जिस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल ही राजनीति नहीं करते। नहीं, नहीं, संगीत जी वो कह रहे हैं छोड़ रहे, क्या दिक्कत क्या है शशि जी, क्या योगी अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता आप लोगों को दिखा रहे हैं, इस वजह से आप लोग बगावत पर उतर आए और अपने साथी के खिलाफ ये झंडा बुलंद कर रहे हैं? शशि जी जरा ये तो बताइए। हम लोग एक साल से चिल्ला रहे हैं कि हम लोगों को सरकार से बाहर कीजिए, लेकिन लोग सरकार से बाहर भी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी 14 अप्रैल को हमारे मंत्री जी ने अपने 3-3 मंत्रियों का इस्तीफा देकर योगी जी को दे दिया, आज तक वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए हैं। सर योगी जी को क्यों दिया, राज्यपाल को क्यों नहीं दिया, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। झूठ का दिखाकर हमारे वोट ले लें, उसके बाद इनका जो करना होगा करेंगे। सर सवाल दूसरी तरफ से आपसे ये भी पूछा जाता है कि झूठ मूठ का दिखावा तो आप लोग करते हैं, अगर इस्तीफा देना था तो सीधा जाके राज्यपाल को दे देते, योगी जी को काहे का झूठ मूठ का दिखावा के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। हम तो रोमाना जी, आप हमारा पुराना वीडियो उठाकर देख लीजिएगा हमारे नेता का, हमारे नेता ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि हमारे दम पर उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है और हम अपने से सरकार से अलग नहीं होंगे, अगर तुमको हमारी जरूरत नहीं है तो हमको अलग कर दो। ठीक है सर, मैं मनोज जी का रुख करूंगी, मैं मनोज सिंह का रुख करूंगी। एक छोटी सी बात, ये बचे हुए जगहों पर शशि जी सुरेंद्र राजपूत बोल रहा हूँ कांग्रेस से, क्या बची हुई जगहों पर आप बसी हुई, जैसे कुशीनगर है, जैसे सलेमपुर है, क्या आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं उन जगहों पर? किस किस को समर्थन कर रहे हैं बाकी बची हुई सीटों पर? खुला समर्थन बताइए आज राजभर जी का। अरे कांग्रेस में है कहां जो कोई समर्थन करेगा आपको? हमारा कोई समर्थन, कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं है, सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी कही जाती है। अरे शहनवाज भाई, आपके बीच में मैं बोलूं, अपने वोट के लिए, अपने अपने पार्टी को, पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं हम, किसी नहीं, नहीं, जहां पर आप नहीं लड़ रहे हैं, चाहे जैसे आरपीएन सिंह की सीट हो, जैसे राजेश मिश्रा जी की सलेमपुर वाली सीट हो, उस पर आप किसे समर्थन दे रहे हैं? वो लिस्ट उन्होंने जारी की है सर, 4 सीटें ऐसी है जहाँ ये महागठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन राजभर जी तो कह रहे हैं आप हमें समर्थन दे रहे हैं। समर्थन नहीं करूंगा, हमारी लोकल बॉडी जो वहाँ पर है, कुशीनगर में, सलेमपुर में, संत कबीर नगर में, भदोही में, वो जो निर्णय करेगी वो मान्य होगा, मैं किसी को समर्थन करने नहीं जा रहा। संत कबीर नगर में तो आपने महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन दिया है सर, शायद आपको पता नहीं है, टीवी पे ही समर्थन मांग रहे हैं आप। ठीक है, मैं मनोज जी का रुख करूंगी, जो भी करते हैं खुले आम कर रहे हैं आप, भी तरीके से रात के अंधेरे में नहीं करते शहनवाज जी, समर्थन मांगते भी हैं तो भी खुले आम, लेते भी हैं तो भी खुले आम, और देते भी हैं तो भी खुले आम, टीडीपी की तरीके से वापस नहीं लेते हैं। मैं मनोज जी का रुख करूंगी, मनोज जी आप सुन रहे हैं ना शशि जी को खुद ही क्लियर नहीं है सर, वो किसी को समर्थन कर नहीं रहे, कहीं आप लोग ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हैं? ये तो यहाँ पर इनका आपसी मनमुटाव चल रहा है योगी और बीजेपी से, इस वजह से ये आ गए दलित प्रधानमंत्री के शगुफे के साथ, महागठबंधन का इस ट्रैप में तो नहीं फंस रहा है मनोज जी? देखिए मैम, महागठबंधन किसी तरह के चाल में नहीं फंसा है, महागठबंधन आम आदमी के बुनियादी सवाल को लेकर के हमारे नेता अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, अजीत सिंह जी, आम आदमी के बुनियादी सवाल क्या है, किसान के दोगुना दाम उसके फसल के हुए कि नहीं हुए? आपने पढ़ा होगा कि आज भी अभी किसान के जो प्याज है अभी मध्य प्रदेश में 50 पैसे प्रति केजी बिकती है। इनके 2014 में जो मेमोरेंडम में था, इनके मैनिफेस्टो में था, शहनवाज भाई विद्वान आदमी, इनसे पूछना चाहूंगा कि आपके हर प्रदेश में आपने कहा था एम्स खोलने के लिए, एम्स कहाँ है? 100 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की आपने बात की थी, वो 100 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज कहाँ है? आपने 4 डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात की थी, वो 4 डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? और देश में सिर्फ एक व्यक्ति की संपत्ति बढ़ी है, वो बढ़ी है माननीय
माननीय अमित शाह जी के सुपुत्र अजय जय शाह की 16,000 गुना उनकी संपत्ति बढ़ी है। अच्छा, पूरा नहीं, देश नहीं, गरीब नहीं, हुआ। सिमदेगा में आप देख रहे हैं कि एक वित्तीय जवाब दीजिए। आपने इतने आरोप लगा दिए, जरा सा शाहनवाज भाई से जवाब ले लीजिए। शर्म आनी चाहिए। मनोज जी जवाब ले लीजिए। बारे में इस तरह की बातें करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने मानहानि का मुकदमा भी किया है कि जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाया जिसने, और वो उस मुकदमा चल भी रहा है।